देखो, ये जो टॉपिक है जैन धर्म का, ये हर एग्ज़ाम में आता है। चाहे तो ग्रुप डी लेवल का एग्ज़ाम दो, और चाहे पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम दो, या क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम दो, या असिस्टेंट लेवल का एग्ज़ाम दो, सभी एग्ज़ाम में क्या आता है, ये टॉपिक से आता है। एक एक या दो क्वेश्चन जो है हमेशा आते रहता है। तो देखिए, जैन धर्म यानी कि जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे, ठीक है। और इसके 23वें जो 23वें तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और ये 23वें तीर्थंकर ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 23वें जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। वो पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के क्या थे? पुत्र थे, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि आपको 23वें तीर्थंकर कौन थे एग्जाम में, तो वहाँ पे सीधा आंसर क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ हो जाएगा। और पार्श्वनाथ के बारे में अगर पूछता है कि ये कौन किसके पुत्र थे, तो ये किसके पुत्र थे? अश्वसेन के पुत्र थे। और ये अश्वसेन, ये जो पार्श्वनाथ थे, वो अपनी 30 वर्ष की अवस्था में क्या किए थे? संन्यास ग्रहण किए थे। लेकिन जैन धर्म में मूलतः जो पढ़ा जाना है हम लोगों को, महावीर के बारे में ही पढ़ना है। ये आपको आगे चलिए देखते हैं। और ये जो 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन स्वीकार किए थे, इनके द्वारा भी कुछ शिक्षा दिया गया था। कहा गया था उसमें, कहा गया था कि सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, और तीसरा है कि संपत्ति ना रखना। संपत्ति ना रखना, पता नहीं ये क्यों बोले थे कि संपत्ति नहीं रखना चाहिए, लेकिन आज के डेट में ये सार्थक, ये वाला सही है। सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, ये दोनों सही है। अच्छा खैर, हम लोग को पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, अगला है कि 24वें एवं अंतिम जो तीर्थंकर थे वे कौन थे? महावीर स्वामी थे। इन्हीं के बारे में हम लोग को ज़्यादा पढ़ना है। 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। और इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। देखिए, ये जितना सारा एक एक पॉइंट है ना, सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक इसका जो पॉइंट है, इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। और इनका जन्म जो है कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, हम ही लोग के साइड में, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। मुश्किल से होगा 70 से 80 किलोमीटर है जी। हाँ, 70 से 80 किलोमीटर के आसपास होगा। कुंडल ग्राम वैशाली। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। किस कुल के? ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, ठीक है। और इनकी माता का नाम क्या था? तिरसला था। और ये राजा चेटक की बहन थी। किनकी बहन थी? और ये राजा चेटक जो थे वो लिच्छवी के नरेश थे। लिच्छवी जो वैशाली जिला में ही है, इसी को कहा जाता है। चलिए आगे, पत्नी जो है, पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पत्नी का नाम क्या था महावीर के? यशोदा। पुत्री का नाम क्या था महावीर के? पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। उनकी पत्नी का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। इनके दामाद का क्या नाम था? जामिल। क्या था? जामिल। अब आगे देखिए, महावीर जो है 30 वर्ष की अवस्था में जो है अपना गृह त्याग किए थे। महावीर जो है कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे? 30 वर्ष की अवस्था में अपना घर जो है क्या किए थे? छोड़ दिए थे। और किससे जो है अनुमति लेकर के छोड़े थे? अपने बड़े भाई से अनुमति लेकर के क्या किए थे? गृह त्याग किए थे। और गृह त्याग करने के बाद जो है 12 वर्ष जो है तपस्या किए थे। क्या किए थे? 12 वर्ष तपस्या किए। कहाँ? जिम्भृक के समीप। कहाँ पे? जिम्भृक के समीप, ऋजुपालिका नदी के तट पर। और जो विशाल सॉरी साल वृक्ष के नीचे। कौन सा? साल वृक्ष के नीचे। महात्मा बुद्ध को दूसरा वृक्ष था और इनका साल वृक्ष था, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे है, जो जब ज्ञान प्राप्त हुआ महावीर को, तो वे क्या कहलाए, ठीक है? अहर्त मीन्स पूज्य, जीन अहर्त कहलाए, जीन कहलाए, ठीक है। जीन मीन्स विजेता, निर्ग्रंथ कहलाए, जो मतलब पारिवारिक जीवन से बंधन मुक्त हो गए, उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। यानी कि सारा चीज़ से क्या हो गया, वो बंधन मुक्त हो गए गृहस्थ जीवन से।
ठीक है, उनका उपदेश जो है, प्रथम जो उपदेश दिए किस भाषा में दिए, या जो उपदेश दिए वो किस भाषा में दिए, प्राकृत भाषा में दिए, अर्धमागधी भाषा जिसको बोलते हैं। आगे है देखिए, उनके अनुयायी को क्या कहा जाता था, मूलतः निर्ग्रंथ कहा गया। उनके जो अनुयायी थे उनको क्या कहा गया, मूलतः जो है निर्ग्रंथ कहा गया। इनके प्रथम जो अनुयायी थे कौन थे, जामिल, जो इनके दामाद थे। ठीक है, आगे है, प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री कौन थी, चंपा। जो देखो, प्रथम जैन भिक्षुणी, जैसे जैन जैन धर्म में जो है भिक्षुणी बनी, जो प्रथम जो भिक्षुणी बनी घूमने वाली, एक तरह से नहीं होता है, ब्राह्मण सबको भी देखते होंगे भिक्षा मांगने वाला, तो उसमें जो घूमने वाली प्रथम बनी कौन बनी, चंपा बनी। ठीक है, उसका नाम क्या था, चंपा, जो दधिवाहन की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी, मतलब कि जो भी उसमें जुड़ा उस टाइम में, या जो भी जो सब बड़े बड़े लोग थे, मतलब कोई राजा की बेटी थी, कोई राजा का जो है पुत्र था, इस तरह से जो है उस समय ज़्यादा लोग जुड़ता था। आगे, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर अपने गंधर्वों को कितना गंधर्वों में विभाजित किया था, 11 गंधर्वों में विभाजित किया था, यानी कि अपने शिष्य को 11 गंधर्वों में क्या किए थे, विभाजित किए थे। सीधा क्वेश्चन आता है कि जो है महावीर ने अपने शिष्यों को कितना गंधर्वों में विभाजित किए, तो ऑप्शन में रहेगा वही 8, 9, 10, 11, तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, चंदना थी। जो भिक्षुणी संघ की जो प्रधान थी, जैसे उसमें भी तो होता होगा ना एक सबसे ऊंचा वाला पोस्ट जो होता होगा, तो सबसे ऊंचा वाला पोस्ट पे कौन थी, चंदना थी। भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। अब देखो, जैसे ना हर जो तीर्थंकर थे, जो भी तीर्थंकर हुए हैं पहला से लेकर के 24वें तक, उस सभी के नाम से जो है ना एक जुड़ा हुआ है। जैसे देखो, ऋषभ देव के नाम से एक जो जानवर जुड़ा हुआ है, वो क्या जुड़ा हुआ है, सांड। ठीक है, जैसे जैन तीर्थंकर और उनका प्रतीक चिन्ह, ऋषभ देव के नाम से कौन जुड़ा हुआ है, सांड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आते रहता है एग्जाम में। ऋषभ देव के नाम से कौन जुड़ा है, सांड। अजीतनाथ जो है द्वितीय थे, इसका द्वितीय तीर्थंकर थे, कौन धर्म के, जैन धर्म के, तो उनसे कौन जुड़ा हुआ है, हाथी, उनसे जुड़ा हुआ है हाथी। तीसरा जो थे तीर्थंकर संभव, उनसे जुड़ा हुआ है कौन, घोड़ा जुड़ा हुआ है। ठीक है, चौथा जो है, सातवां जो थे तीर्थंकर, देखो सबके बारे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मेनली जो पढ़ना है आपको यहाँ पे, ऋषभ देव के बारे में पढ़ना है, अजीतनाथ के बारे में पढ़ना है, उसके बाद में जो है यहाँ पे अरिष्ट नेमी के बारे में पढ़ना है, पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ना है, महावीर के बारे में पढ़ना है, बाकी लोग ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है इधर से 3 और इधर से 2, यही 5 के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो शांति जो है किससे संबंधित है, हिरण से। अमरनाथ किससे संबंधित है, मीन से। मीन मतलब समझते हैं ना क्या होता है, मछली वछली होता है ना, उसी को ना बोलते हैं। आगे देखिए, नामी जो है, जो जैन तीर्थंकर थे, 21वें तीर्थंकर थे, कौन थे, 21वें जो तीर्थंकर थे वो किनसे जुड़े हुए थे, नीलकमल से। किनसे जुड़े हुए थे, नीलकमल से। अगला जो है अरिष्ट नेमी, कौन थे, अरिष्ट नेमी। तो अरिष्ट नेमी किनसे जुड़े हुए थे, शंख से। उनसे उनका जो है नाम, प्रतीक जो चिन्ह है उनका क्या है, शंख से, शंख है। पार्श्वनाथ का सर्प है, पार्श्वनाथ का सर्प है, और महावीर स्वामी का सिंह। ठीक है, ये आपको इसमें जो है ये 3-4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब भी है। आगे देख लीजिए, जैसे ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी जो है का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। जैसे ऋग वेद है, वेद कितने होते हैं, 4, तो उसमें सबसे पुराना वेद कौन है, ऋग वेद है, जिसमें आपको ऋग वेद में जो इनका नाम है, जो ऋग वेद लिखा गया है, उसमें जो है ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी का भी क्या है, उल्लेख मिलता है, यानी कि ऋग वेद में दोनों का नाम क्या है, जिक्र किया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो है जैन मत जो है 2 भागों में बट गया था। कितने भागों में बट गया था,
दो भागों में बट गया, एक एक जो है श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर, यानी कि एक स्थूल भद्र जैसे दो उनके जो शिष्य थे वे दोनों आपस में क्या हुआ, मतभेद होने के कारण, क्या होने के कारण, मतभेद होने के कारण दो भागों में बट गया, पहला स्थूल भद्र और दूसरा भद्र बाहु। तो पहला जो स्थूल भद्र हुआ वे श्वेतांबर कहलाया, उसमें वे जो है श्वेतांबर कहलाया जिस श्वेतांबर में जो है श्वेत वस्त्र पहनता हो, जो क्या पहनता हो, श्वेत वस्त्र पहनता हो। दूसरा जो है आपको दिगंबर कहलाया जो नंगे रहता हो, क्या रहता हो। कभी कभी आप रजत शर्मा का शो देखे होंगे तो एक जैन मुनि करके, उसमें टीवी देखते हैं ना आप लोग, इंडिया टीवी पे एक शो आता है आपकी अदालत, उस पे जो है रजत शर्मा का शो देखे होंगे या जैन मुनि का कार्यक्रम देखे होंगे, तो हमेशा नंगे रहते हैं टोटल पूरा, मतलब अभी भी जो है भाषण वासन कहीं उनका लेक्चर सुनिएगा पूरा नंगे ऊपर से नीचे रहता है, जितना मतलब वो लोग का ये रहता है सब नंगे ही रहता है, उनका अनुयायी भी। ठीक है, तो वे लोग क्या है, दिगंबर है, क्या है, जैन जैन धर्म को मानने वाला है और दिगंबर से मतलब ताल्लुक रखता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जैन मत जो है दो भागों में बट गया। ठीक है, पहला बटा श्वेतांबर, दूसरा बटा दिगंबर, और जो श्वेतांबर बटा उसका जो प्रधान थे वो कौन थे, स्थूल भद्र थे, और जो दिगंबर बटा उसका प्रधान कौन थे, भद्रबाहु। और श्वेतांबर यानी कि श्वेत अंबर मिस होता है वस्त्र। ठीक है, श्वेतांबर श्वेत प्लस अंबर, श्वेत मिस उजला और अंबर मिस वस्त्र हो जाता है, इसलिए श्वेत वस्त्र पहनने वाला, दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाला। ठीक है, चलिए आगे। जैसे उसके बाद जो है जैन संगीति हुआ, क्या हुआ, जैन संगीति मतलब उसका एक अनुष्ठान किया जाता है, जैसे कैसे यज्ञ होता है हम लोग हिंदू धर्म में, वैसे ही जैन संगीतिया हुआ, तो बहुत बड़ा हुआ होगा। तो अभी तक जो है जैन संगीति कितने बार हुआ है, दो बार हुआ है, कितना बार हुआ है, दो बार हुआ है। तो पहला जो हुआ था वो 300 ईसा पूर्व में हुआ था, कब हुआ था, 300 ईसा पूर्व में हुआ था, समझ रहे हैं बात को, 300 ईसा पूर्व में हुआ था, और कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था, और उसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूल भद्र थे। ठीक है, और दूसरा जो जैन संगीति हुआ था वो 6ठी शताब्दी में हुआ था, कब हुआ था, 6ठी शताब्दी में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, बल्लभी में। बल्लभी कहाँ है, गुजरात में है, ये बल्लभी कहाँ पे है, गुजरात में है, कहाँ पे हुआ था, बल्लभी में हुआ था, गुजरात में हुआ था। और इसके जैन धर्म में दो बार हुआ है, कितना बार हुआ है, दो बार हुआ है। पहला जो हुआ है 300 ईसा पूर्व में हुआ है, कब हुआ है, 300 ईसा पूर्व में हुआ है, और उसका स्थल कहाँ था, पाटलिपुत्र में हुआ है, कहाँ पे हुआ है, पाटलिपुत्र में हुआ है, और उसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूल भद्र थे, कौन थे, स्थूल भद्र थे। दूसरा जो जैन संगीति हुआ है वो 6ठी शताब्दी में हुआ है, कब हुआ है, 6ठी शताब्दी में हुआ है, और ये कहाँ पे हुआ है, बल्लभी गुजरात में हुआ है, कहाँ पे, बल्लभी गुजरात में, बल्लभी जो है गुजरात में है, कहाँ पे है, गुजरात में है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो क्षमा श्रवण थे, कौन थे, क्षमा श्रवण थे। जैन धर्म के त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, आगे है। देखो जैन धर्म में, जैसे जैन धर्म को ज्वाइन करने के लिए, उसमें प्रवेश पाने के लिए 5 महाव्रतों का जो है नियम को पालन करना अनिवार्य था, जिसमें पहला अहिंसा है, दूसरा सत्य है, दूसरा सत्य वचन है, तीसरा अस्तेय है, चौथा अपरिग्रह है, पांचवा क्या है, ब्रह्मचर्य है। इस सभी नियम को पालन जो करने वाला होगा वही क्या होगा, जैन धर्म में ज्वाइन करेगा, यानी कि उसमें जो है जा सकता था, प्रवेश कर सकता था। देखो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, जैसे हम लोग हिंदू धर्म में ईश्वर को मानते हैं, देवी जी को मानते हैं, दुर्गा जी को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, और जैन धर्म में जो लोग जाते हैं वे भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। ठीक है, इसमें केवल आत्मा की मान्यता है, आत्मा जो है, जैसे हम लोग भी आत्मा को मानते हैं, वे लोग भी क्या है, आत्मा को मानते थे। और अगला है कि इसमें पुनर्जन्म, इसमें यानी कि जो आदमी मर जाता है वो फिर से दोबारा क्या होता है, जन्म लेता है, पुनर्जन्म, और कर्मवाद में उसमें क्या होता है, विश्वास करते हैं। ठीक है,
पुनर्जन्म और कर्मवाद में जो है विश्वास करते हैं कौन? जैन धर्म वाले। यानी कि जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद जो है उसमें मान्यता है। ठीक है, अगला है, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से लिया है? तो सांख्य दर्शन से लिया है। जैन धर्म में जो है अपने आध्यात्मिक जो है आध्यात्मिक जो विचार है उसका कहाँ से लिया गया है? सांख्य दर्शन से लिया गया है। कहाँ से? सांख्य दर्शन से लिया गया है। जैन धर्म मानने वाले राजा कौन थे? कुछ राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे, वो उसमें सबसे प्रमुख थे उदयन, वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्धन, चंदेल शासक। ये लोग सभी लोग जैन धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? जैन धर्म को। ठीक है, अब आगे देखो, गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वो जैन धर्म से रिलेटेड है। किस धर्म से? जैन धर्म से। वो कहाँ पे है? श्रवण बेलगोला में है। कहाँ पे है? श्रवण बेलगोला। और ये श्रवण बेलगोला कहाँ पे है? तो कर्नाटका में है। कहाँ पे है? कर्नाटका में है। गोमतेश्वर की जो मूर्ति है ये मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के द्वारा जो है बनाया गया था, जो श्रवण बेलगोला में है। कहाँ पे है? श्रवण बेलगोला कर्नाटका में पड़ता है। चलिए आगे देखिए, आगे खजुराहो जो है, खजुराहो में जैन मंदिर जो है का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। ये हमेशा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि खजुराहो में जो मंदिर है खजुराहो का, उसमें किस धर्म से संबंधित है? तो कौन धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और उसको कौन बनवाया था? चंदेल शासक बनवाया था। कौन बनाया था? चंदेल शासक बनवाया था। अब देखिए, मौर्य काल में जो मथुरा था वो जैन धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या था? मथुरा जैन धर्म का जो है प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, मथुरा कला जैन धर्म से संबंधित है। और मथुरा जो कला है, जैसे हम लोग के यहाँ मधुबनी पेंटिंग है, पेंटिंग समझते हैं ना, मधुबनी पेंटिंग है, चित्रकला ये सब है यहाँ पे, तो उसी तरह से उस समय में जो है मौर्य काल में जो है मथुरा क्या था? जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। और मथुरा कला जैन धर्म से संबंधित था। मथुरा का जो कला था वो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्र, देखिए जैन तीर्थंकरों का जो जीवनी है वो कौन किसके द्वारा रचित है? भद्रबाहु द्वारा। देखिए किताब है कल्पसूत्र, कल्पसूत्र क्या है? किताब का नाम है। उसका रचना कौन किया था? भद्रबाहु किया था। कौन किया था? भद्रबाहु किया था। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब आगे देखिए, अब आगे जो है जैन धर्म, यानी कि जैन भगवान जो है महावीर का जो है मृत्यु हो जाता है। कब मृत्यु होता है? 468 ईसा पूर्व में भगवान महावीर का यानी कि महावीर स्वामी का मृत्यु हो जाता है। मृत्यु को ही हम लोग निर्वाण बोलते हैं, यानी कि क्या निर्वाण होना, यानी कि क्या होना, मृत्यु होना। 468 ईसा पूर्व में उनका मृत्यु हो गया। जन्म कब लिए थे? 540 में। मृत्यु कब हुआ? 468 ईसा पूर्व में। और 72 वर्ष की आयु में मरे हैं। कितना वर्ष की आयु में? 72 वर्ष की आयु में मरे हैं। बिहार के पावापुरी राजगीर में उनका मृत्यु हुआ था। कहाँ पे मृत्यु हुआ था? राजगीर में, पावापुरी में, बिहार में ही जगह है जहाँ पे उनका मृत्यु हुआ था। और मृत्यु जो हुआ था मल्ल राजा, मलों के जो राजा थे वहाँ पे, सृष्टिपाल, मल्ल के राजा कौन थे? सृष्टिपाल। उनके राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो भी एक एक पॉइंट है, मतलब इसका एक एक जो भी पॉइंट है वो सब इम्पॉर्टेंट है। कब कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ देगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछता है। कोई भी एग्जाम दीजिएगा, चाहे PCS लेवल का दीजिए या ग्रुप डी लेवल का दीजिए, इसमें जो है आपको इतना आपको करना है और इतना जो है